बिहार में बदले राजनीतिक घटनाक्रम के बाद बीजेपी में हलचल है। पार्टी ने आज बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक बुलाई है। थोड़ी देर बाद यह बैठक दिल्ली में शुरू हो जाएगी। पार्टी के बड़े नेता इसमें शामिल होंगे। पार्टी क्या कुछ निर्णय लेगी इस पर बिहार की निगाहें टिकी हुई है। तो दिल्ली में बिहार बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होनी है। नीरज पांडे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। नीरज, जिस तरह से नीतीश कुमार ने पीठ में छुरा घोंपकर और एनडीए को धोखा दिया और अलग हो गए और तेजस्वी के साथ सरकार बना ली, यही कुछ बड़ा मुद्दा आज इस बैठक में शामिल होगा, चर्चा होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी शोभना अब बिहार में विपक्ष में बैठी है, तो भारतीय जनता पार्टी को अब अपना रोड मैप तय करना होगा कि आने वाले जो समय में वो भारतीय जनता पार्टी की लाइन क्या होगी, भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में कैसे जाएगी और क्या क्या मुद्दे होंगे। इन सब मुद्दों को लेकर आज यहाँ पे अहम बैठक बुलाई गई, कोर कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जिसमें बिहार के जो सभी नेता हैं वो मौजूद रहेंगे, भाजपा अध्यक्ष मौजूद रहेंगे और गृहमंत्री अमित शाह भी मौजूद रहेंगे। यहाँ एक बात बताना बहुत ज़रूरी है शोभना, हाल ही में मोर्चों की जो बैठक है वो पटना में बुलाई गई थी। ऐसे जो गठबंधन टूटा उसमें आपने अगर ध्यान दिया हो तो एक बहुत अजीब सी बात सामने आई कि इस गठबंधन को बचाए रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई एफर्ट नहीं दिखाए गए, यानी कि ये दिखने को नहीं मिला कि कोई भाजपा का बड़ा नेता पटना जा रहा हो, वहाँ नीतीश कुमार से मिल रहा हो, बैठक कर रहा हो, बात कर रहा हो और इस गठबंधन को बचाने की कसमकस कर रहा हो, ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ा। इससे एक बात तो साफ है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहती थी कि जो हो रहा है होने दीजिए, उसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है, ये इस रीजन को समझना बहुत जरूरी है। हाल ही में मोर्चों की एक बड़ी बैठक पटना में बुलाई गई थी और उस दौरान सभी 200 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के और कुछ वरिष्ठ नेताओं को दो दिन के प्रवास के लिए रखा गया था, यानी कि वो पूरे अक्रॉस द बिहार हर विधानसभा सीट पर एक नेता एक रात दो रात प्रवास करेगा और वहां की स्थिति को समझेगा। और उस दौरान जो फीडबैक आया भारतीय जनता पार्टी के पास वो बहुत चौंकाने वाले इसलिए थे कि जो इंटरनल रिपोर्ट है भारतीय जनता पार्टी के पास वो ये है कि बिहार की जनता, ज्यादातर जनता भारतीय जनता पार्टी की अकेले की सरकार चाहती है। बहुत-बहुत धन्यवाद। रिपोर्ट अकेले की सरकार चाहती है, बड़ी जानकारी नीरज पांडे दे रहे हैं कि जो सर्वे बीजेपी के द्वारा कराया गया उसमें निकल कर आया कि जो बिहार की जनता है वो बीजेपी की अकेले पार्टी की सरकार चाहती है और जेडीयू का साथ उन्हें रास नहीं आ रहा। ये हैं शर्मा जी, जो रात का खाना और देश दुनिया की सुर्खियां दोनों लेते हैं सुमित अवस्थी के साथ। अब ये हैं इनके पड़ोसी बैनर्जी साहब, मिष्टी दोई खाते खाते पूरा बंगाल जान लेते हैं सुमन दे के साथ। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट न्यूज एंकर को एक ही ऐप पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।